गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर पौलमी। आई होप कि सब लोग अच्छे हो, सेफ हो। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अभी 12 o'clock है, नून का टाइम है, 12 PM इन नाइजीरिया, और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अभी। आज संडे है लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं आज। और अभी बस राहुल मेरे लिए चिकन बना रहे हैं, आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू हो गया है, देखते रहिए, डू वॉच माय वीडियो। गाइज मैं आज उगांडा के बारे में बहुत सारी आपको आइडियाज़ देने वाली हूँ। मैं खुद उगांडा में रह चुकी हूँ। उगांडा एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, ये ईस्ट अफ्रीका में है, रियली वेरी नाइस। एक बार तो आप लोगों को घूमने जाना ही चाहिए। तो चलिए उगांडा के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने वीडियो शेयर की थी, लेकिन आज पूरा एक डॉक्यूमेंट्री आई मीन टू से कि वास्ट डेप्थ में मैं बताऊंगी उगांडा के बारे में। ये वीडियो भी आप देखते रहना, बहुत कुछ आपको पता चलेगा उगांडा के हेरिटेज, उगांडा फूड के बारे में। तो चलिए देखते रहिए आज का ब्लॉग। हाय गाइस, तो आज का ब्लॉग जो है चल रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है कि उगांडा की हेरिटेज क्या है, वहाँ पर जो ट्राइब्स है वो कैसे लाइफ लीड करते हैं, क्या ड्रेसेस पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, और इट्स ऑल अबाउट उगांडा टुडे इन माय ब्लॉग। एक्चुअली आज का जो ब्लॉग है ये मैं उगांडा के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि उगांडा की हेरिटेज क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे हैं। तो उगांडा आप जब घूमने जाओगे तो आपको डिटेल्स में ऑलरेडी पता होगा, पहले से आपको पता चल रहा है कि कैसे, मतलब वहाँ पर क्या क्या देखने की चीज़ें, कंट्री कैसी है, लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज। वैसे तो वहाँ पर इंग्लिश चलती है ऑब्वियसली, लेकिन उन लोगों का लोकल लैंग्वेज क्या है आप लोगों को पता चल रहा है। लेकिन उगांडा आप लोग लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर जाए ना, इट्स अ रियली वंडरफुल कंट्री। गाइज यहाँ पर अभी 4 PM है, बस शाम हो गया है, लेकिन बहुत ही धूप है। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग ज़रूर पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को।
गाइस काफ़ी धूप है, बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत तेज़ है, लेकिन बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाल बाल उड़ रहे हैं। वेदर ऐसा ही है अभी, लेकिन बहुत ही गर्मी है, हवा चल रही है लेकिन गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी बालकनी में थोड़ी बहुत हवा की वजह से थोड़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। गाइज आप लोग ज़रूर कमेंट पे लिखना कि मैं आप लोगों को कैसी लगती हूँ, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ पता चला होगा उगांडा के बारे में, और ये भी पता चल गया कि उगांडा क्यों जाना चाहिए। वैसे उगांडा का जो वेदर है बहुत अच्छा है गाइस, मैं खुद वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स रह चुकी हूँ कंपाला में, कंपाला जो कि कैपिटल है उगांडा का। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर उगांडा घूम के आना, इट्स रियली रियली वेरी नाइस कंट्री। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखना कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और कीप सपोर्टिंग मी, डू वॉच माई वीडियो, स्टे लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेल देम टू सब्सक्राइब एंड वॉच माई वीडियोज़। चलिए गाइस टेक केयर, स्टे सेफ, आई विश कोरोना वायरस जल्दी से ठीक हो जाए, सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए, आप सब लोग अच्छे से रहो एंड मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, शुभ रात्रि, गुड नाइट।